हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल रिव्यू। सो गाइस, भूमि पेडनेकर की गाइस जिस मूवी का सभी को यार इंतजार था, वो मूवी सिनेमा घरों के अंदर रिलीज हो चुकी है। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं भक्षक की। और दोस्तों बता दें, ये मूवी गाइस बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बनी है। और इस मूवी के अंदर भूमि पेडनेकर ने क्या ही कमाल की एक्टिंग का नज़ारा पेश किया है। सो गाइस, पूरी मूवी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। और अभी तक यार आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं भक्षक की बेसिक स्टोरी के बारे में। सो यार, एक इंडिपेंडेंट टीवी चैनल की, भाई साहब यहाँ पर एक टीवी रिपोर्टर होती है वैशाली सिंह, प्लेड बाय भूमि पेडनेकर, और उसी के साथ एक साथी भी होता है उसका, भास्कर, प्लेड बाय संजय मिश्रा, जो कि एक न्यूज की इन्वेस्टिगेशन के दौरान गाइस काफी सारे खुलासे करते हैं और उसका सच सामने लाने के लिए वो उस न्यूज को कवर करते हैं। सच सामने लाने के लिए एक छोटे शहर के पत्रकार मानव तस्करी को भाई साहब के खिलाफ एक जाल खोलने का प्रयास करते हैं। क्या ये राजनीतिक धमकियां और भाई साहब सामाजिक दबाव का सामना कर पाएंगे, यही इसकी एक बेसिक स्टोरी है गाइज। पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको गाइज मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि किस प्लेटफॉर्म पर आई है उसकी भी आगे बात करेंगे। अगर बात करें यार एक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में, तो भाई साहब यहाँ पर भूमि पेडनेकर ने जो अपने कैरेक्टर को यार जिस कैरेक्टर का जिस उसका जो टोन है उसको इतने खूबसूरती के साथ यार सेट किया है, जितनी खूबसूरती से उन्होंने प्ले किया है और जितनी खूबसूरत भूमि पेडनेकर है, उन्होंने भाई साहब अपने कैरेक्टर के अंदर जान डाल दी है यार। काफ़ी टाइम हो गया है भूमि पेडनेकर की यार स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखे हमें, और भाई साहब वो परफॉर्मेंस आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है। इवन उनकी जो लास्ट मूवी आई थी थैंक यू फॉर कमिंग, उसके अंदर भी उनकी दमदार एक्टिंग हमें देखने को मिली थी, लेकिन यार वो मूवी कुछ एक अलग ही टॉपिक पर थी और उसका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अलग था। सो उनकी जो एक्टिंग स्किल थी वो निखर के सामने नहीं आ पाई थी, लेकिन इस मूवी के अंदर भाई साहब जितनी भी गलतियां उन्होंने पिछली मूवी के साथ की थी वो इस मूवी के साथ नहीं दोहराई है, और जो एक भूमि पेडनेकर का जो पर्सोना है वो इस मूवी के साथ एकदम फिट बैठता है। भूमि पेडनेकर ने यार भक्षक के अंदर अपने किरदार को इतने ज़बरदस्त और बेहतरीन अंदाज से निभाया है भाई साहब, आप सच में कायल हो जाओगे। यहाँ तक कि जो जर्नलिज्म को यार देखकर जो सपना देखते हैं कई सारे यंगस्टर, वो उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह उभर के आएगी इस मूवी के अंदर। वहीं अगर बात करें उनके साथी यानी संजय मिश्रा की, जिस तरह से भाई साहब संजय मिश्रा ने गहराई के साथ इस कैरेक्टर को जिया है, तो यार एक बार फिर उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है और साबित किया है कि ऐसे गहरे और भाई साहब संजीदे किरदार के लिए वो क्या कुछ कमाल कर सकते हैं फिल्म के अंदर। वो और भी कई सारी सपोर्टिंग कास्ट है इस मूवी के अंदर, जैसे सीआईडी फेम अभिजीत यानी के भाई साहब आदित्य श्रीवास्तव, उन्होंने भी अपना काम काफी बेहतरीन तरीके से किया है। अगर बात करें फिल्म के डायरेक्शन की, तो यार डायरेक्शन का स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा टाइट रखा गया है कि सच में ये मूवी आपको मतलब बोर नहीं करेगी और हर एक सीन के बाद आपकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। फिल्म को डायरेक्ट किया है पुलकित ने, और भाई साहब जिस तरह से उन्होंने अपनी कहानी कहने का अंदाज दिखाया है और जिस तरह से वो चाहते थे कि पब्लिक उनसे कनेक्ट हो, ये मूवी आपको वही कुछ देती है। ओवरऑल डायरेक्टर का काम अच्छे तरीके से निकल के आता है। समाज में यार जो भक्षक लोग हैं, जो जो भी कठोरता है, जो समाज के अंदर जो जिस तरह की कुरूतियां हैं उसको दिखाने में यार डायरेक्टर साहब पूरी तरीके से सफल रहे हैं। सो यार अगर बात की जाए स्टार कास्ट की, परफॉर्मेंस की, कहानी की, फिल्म के एग्जीक्यूशन की, तो ओवरऑल मिला के देखा जाए तो ये मूवी मस्ट वॉच है भाई साहब। अगर बात करें इसकी रेटिंग की, तो मेडिका रिव्यू इसको देता है गाइज 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। गाइज आपने ये मूवी देख ली है या नहीं देखी है अपने कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो यार शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।